आज हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन ट्री के बारे में। जी हाँ, सामने जो दिख रहा है कैसे बना है। देखिए यहाँ पे टोटल दिख रहा है सम ऑफ क्वांटिटी की, सम ऑफ क्वांटिटी कितना है। इस पे क्लिक किए तो इसके जो नेम्स है, नेम आगे के किस किस पर्सन की कितनी कितनी सेल्स है। फिर इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो पता चल गया कि रिटेल कितना है, होलसेल कितना है, होलसेल के अंदर में नॉर्मल सेल कितने, ऑफर के सेल कितने हैं, ऑफर में आपका जो है हम सिटी किस किस सिटी में किस किस ऑफर में कितना सेल है, फिर उसके किस किस प्रोडक्ट के कितना सेल है। जैसे क्लिक कर रहे हैं ये आपका डाउनलोडेबल चार्ट बनते जा रहा है। ये चार्ट बनते कैसे हैं चलिए बताता हूँ। नमस्कार, मैं सुजीत आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे पावर बीआई के डीकम्पोजिशन टूल्स के बारे में। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साथ में आप हमारे साथ अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक नई न्यू पेज पे जाते हैं और यहाँ से हम अपना डीकम्पोजिशन ट्री को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेन जो हमारा डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालाइज है, मतलब कि जिसके ऊपर टोटल जो फिगर करना है, जो नंबर है जिसको टोटल करके आपको शो करना है, उसको यहाँ पे हम रखेंगे एनालाइज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ पे जो चेंज वगैरह करना है फॉर्मेटिंग्स में, टाइटल्स में, आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल इस पे अभी मैं नहीं जाता हूँ। उसके बाद आता है एक्सप्लेन बाय। तो हमने बोला कि सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना है हमारे सेल्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए सेल्स ऑफिसर, इस पे क्लिक कीजिएगा, पूछेगा हाई वैल्यू है लो वैल्यू। तो मैंने बोला कि हाई वैल्यू, तो सारे हाई वैल्यू आ गए नेम के साथ। फिर मैंने इसके नीचे हमने अपना जो है मान लीजिए कि स्टोर रखा है यहाँ पे, तो इसके हर किसी के ऊपर स्टोर आएगा सेम हाई वैल्यू, वन टाइम ही पूछेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेगा। तो हर किसी का यहाँ पे देखिए स्टोर ऊपर चला गया, स्टोर के नीचे कीजिए तो स्वैप हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे स्टोर आ गया। अब उसके नीचे जो मुझे रखना है वो रखना है अपना प्रोडक्ट, कि किस स्टोर में क्या प्रोडक्ट बिका, तो ये आपका प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद अगर मुझे मान लीजिए कि किस प्रोडक्ट को सेल्स का टाइप क्या, होलसेल है या रिटेल है, तो यहाँ आपका अब होलसेल ऊपर चला गया, टाइप ऊपर चला गया, नीचे कर दीजिए, यहाँ आ गया, क्लिक कीजिए हाई वैल्यू, यहाँ आ गया। अब मुझे होलसेल रिटेल के नीचे अंदर जो है क्या करना है, तो ये पता करना है कि टाइप क्या था, ऑफर में था या नॉर्मल सेल था। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे मूव करते हैं। अब यहाँ इसके पास ऑफर या ये आ गया, ये डिकम्पोजिशन ट्री बन गया। इसी तरह से आगे आप वन बाय वन करते चले जाएंगे और इसी तरह से वो अपनी रिपोर्ट्स यहाँ बनाता चला जाएगा सिंपली। इस तरह से अब इसकी कलर वगैरह की फॉर्मेटिंग में यहाँ आप आ सकते हैं, जिसमें आप अपना जो भी कलर करना है वो कलर आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी कलर करना चाहते हैं वो यहाँ पे लेवल वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह भी अलग अलग फॉर्मेट्स है, इफेक्ट्स है, आप फॉर्मेट इफेक्ट जो भी करना चाहे इसके अंदर आप कर सकते हैं, इसे बार्स के अंदर कलर्स। मैंने यहाँ पे करता हूँ ग्रीन कलर चाहिए, ग्रीन कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ बोला ए होना चाहिए, तो ये हो गया। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप हमारे साथ अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। तो क्या करना है कि आपको ओपन करना है एक वेबसाइट यहाँ पे bi.iptindia.com, bi.iptindia.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि हमारा एक एसक्यूएल सर्वर का बैच शुरू हो रहा है, जो 5 सितंबर से शाम के 8 बजे बैच शुरू होगा, डेली 1 घंटा मंडे टू फ्राइडे, 35 डेज तक रहेगा, जिसके लिए मात्र आपको 200 रुपए की फीस है। अब इसमें 12 लोगों की सीट है। अगर आपको मेरी वीडियोस देख रहे हैं अच्छा लगता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट करके सीट को बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पेमेंट वाले पोर्टल पे चले आएंगे, अपना सीट बुक कर सकते हैं, या फिर आप बुक डेमो क्लास पे जाके आप डेमो क्लास का रिक्वेस्ट फॉर्म भर दीजिए, तो हमारे पास जो भी टाइम स्लॉट अवेलेबल होगा उस पर आपको एक दो डेमो क्लास हम दे देंगे। तो फटाफट जाइए bi.iptindia.com को लॉगिन कीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां आपको मिल जाएगा।